ये बच्चों एक क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, बेसिक टर्मिनोलॉजी और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझने के बाद हम एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग करते हैं। देखिए, ये एक सिंपल सी मैथमेटिकल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है जिसमें हमें दिया हुआ है मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 5x+3y। ये क्या है बच्चों? ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। इसको क्या करना है? इसको मैक्सिमाइज करना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये, ठीक है जी। और एक्स और वाई क्या है? डिसीजन वेरिएबल्स हैं, सब्जेक्ट टू दीज आर दी लीनियर इनइक्वालिटीज। इनको क्या बोल सकते हैं? कंस्ट्रेंट्स हैं, ये सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, कंस्ट्रेंट्स, ठीक है बच्चों। तो इन कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। ये बिल्कुल सिंपल और बेसिक लीनियर प्रोग्रामिंग की मैथमेटिकल प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहला काम क्या होता है बच्चों? इन लीनियर इनइक्वालिटीज को 2D प्लेन में ड्रॉ करना और कॉमन फिजिबल रीजन निकालना। तो चलिए देखते हैं। तो क्या है, सबसे पहले हम एक 2D प्लेन एक्स वाई प्लेन बनाते हैं। लेट्स से एक्स एक्सिस हो गई, ये हो गई वाई एक्सिस, ठीक है, दिस इज ऑरिजिन। चलिए, तो अब हमें करना क्या है, एक एक करके ये सारी इनइक्वालिटी ड्रॉ करनी है। बच्चों सबसे पहले आप देखो, एक्स ग्रेटर देन जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो, इन दोनों पर फोकस करो। ये क्या कहती हैं? एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि वाई एक्सिस से राइट वाला एरिया, वाई की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए मतलब एक्स एक्सिस से ऊपर वाला एरिया। बेसिकली क्या बच गया हमें? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है जी। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास बच गया और सेकेंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट डिस्कार्डेड है ना, इन दोनों कॉन्स्टेंट से ही। इन दोनों कॉन्स्टेंट को देखते हुए फर्स्ट क्वाड्रेंट इज द ओनली क्वाड्रेंट जिसमें हमें काम करना है, ठीक है। चलिए इसको रख देते हैं एक बार। चलिए, तो अब क्या करना है? 3x+5y<15>, इसको हमें 2D में ड्रॉ करना है। ये क्या लीनियर इनइक्वालिटी है। तो पहला स्टेप क्या होता है बच्चों? किसी भी इनइक्वालिटी को ड्रॉ करने का, उसके करस्पॉन्डिंग लाइन को ड्रॉ करना। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये सारा काम जो अभी हम कर रहे हैं ड्रॉ करने का, ये आप रफ में कर सकते हो। यू आर अलाउड टू डू दिस एक्टिविटीज इन रफ। आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है कि ये क्वेश्चन में आप सॉल्व करके दिखाओ कि लीनियर इनइक्वालिटीज को हमने पहले लाइन में कन्वर्ट किया और फिर एक्स जीरो वाई जीरो रखा और ये सब किया। ये सारे एक्टिविटी आपको रफ में करना है, ये फेयर में करने के लिए नहीं है। तो देखिए क्या करते हैं, 3x+5y<15> है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसको इक्वल टू 15 करके एक लाइन बनाऊंगा पहले। तो इसके करस्पॉन्डिंग देखिए, अब इस लाइन में एक्स की वैल्यू जीरो रखूंगा एक बार और एक बार वाई की वैल्यू जीरो रखूंगा। तो यहाँ वाई मुझे मिलेगा, जैसे ही एक्स जीरो रखा तो वाई मिल गया 3, और जब वाई जीरो रखा तो एक्स मिल गया 5। तो मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या आ गए? 5,0 एंड 0,3। तो इन दो कोऑर्डिनेट्स को मिला के मैं ये लाइन ड्रॉ कर दूंगा। तो पहले मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूँ, देखिए 0,3 और 5,0, तो ये हो गया 5,0, ठीक है बच्चों। और ये लाइन हो गई, ये पॉइंट हो गया 0,3। तो इन दोनों को जोड़ दिया तो ये जो लाइन बनी, ये कौन सी लाइन है? 3x+5y=15। तो दिस लाइन इज 3x+5y=15। अब इस इनइक्वालिटी में देखो, ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0, 0 रखा तो क्या मिल गया लेफ्ट में? 0। क्या 0 < 15 है? यस। तो इसका मतलब इस लाइन के ऑरिजिन की तरफ वाला जो इलाका है, या इस लाइन के ऑरिजिन की तरफ वाला जो एरिया है, वो इस लीनियर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। साथ में हमें देखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास बचा है। तो बेसिकली मेरे पास क्या एरिया बच गया? ये वाला एरिया बच गया, दिस इज द फर्स्ट एरिया। फर्स्ट लाइन को ड्रॉ करने के बाद, पहली लीनियर इनइक्वालिटी को ड्रॉ करने के बाद मेरे पास ये एरिया बच गया। चलिए अब इसको, ये रफ वर्क है, इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी लाइन को, ये दूसरी इनइक्वालिटी को देखते हैं। 5x+2y=10, ठीक है बच्चों। तो 5x+2y=10, ये लाइन की इक्वेशन है करस्पॉन्डिंग टू दिस इनइक्वालिटी। इसमें मैं एक्स को जीरो रखूंगा, फिर वाई को जीरो रखूंगा, y मिलेगा मुझे x 0, तो y हो गया 5, यहाँ y 0 तो x हो गया 2, ठीक है जी। पॉइंट्स क्या मिल गया? 2,0 एंड
0.5। तो इन दो पॉइंट्स को भी ड्रॉ कर लेते हैं, 2 कहीं यहाँ मान लेते हैं, 2.0। आपको एग्जैक्ट होने की ज़रूरत नहीं, एक रफ आइडिया चलेगा, है ना। तो 0.5 थोड़ा इसको बड़ा करना पड़ेगा ना। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ठीक है जी। तो ये थोड़ी सी लाइन बड़ी होगी ना, ये वाई एक्सिस। तो पॉइंट क्या था, 0.5, तो 5 इज समवेयर हियर, तो 0.5 पॉइंट ये हो गया और 2.0 ये हो गया। तो आपको इन दोनों पॉइंट को मिलाना है। दिस इज अनदर इक्वेशन। तो ये इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, 5x + 2y = 10। 5x + 2y = 10। और जो इनइक्वालिटीज है, 0, 0 पुट करके देखो, 0 < 10, इसका मतलब इस लाइन के ऑरिजिन की तरफ वाला एरिया सेटिस्फाई करेगा इस लीनियर इनइक्वालिटी को, यानी कि इधर वाला एरिया, ठीक है, ये एरिया। तो बच्चों कॉमन एरिया कौन सा हो गया, देखिए ये लाइन है ना, ये लाइन ड्रॉ की है, तो यानी ये एरिया कौन सा, पेन चेंज करके देखते हैं एक बार, देखिए ये एरिया लेता, ठीक है। तो ये जो एरिया है ये ना, अब ये एरिया ऐसा कॉमन एरिया हो गया जो कि दोनों लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। अभी मैंने 5x + 2y = 10 ड्रॉ किया, तो इस लाइन के ऑरिजिन की तरफ वाला एरिया, यानी ये पूरा एरिया ना, ये एरिया भी आएगा उसमें, ठीक है। ठीक है, ये एरिया जो है ना, ये एरिया 5x + 2y < 10 को सेटिस्फाई करेगा, मगर हमने इसको अपने फिजिबल रीजन से बाहर रखा है। क्यों रखा है, क्योंकि जो पहली लाइन, जो पहली इनइक्वालिटी ड्रॉ की थी, उसके ऊपर हो गया एरिया, ठीक है। तो उसके पहली वाली इनइक्वालिटी का जो फिजिबल एरिया था, उससे बाहर है, तो इसलिए हमको इस एरिया को डिस्कार्ड करना पड़ेगा। समझ लो ध्यान से बच्चों, एक दो प्रॉब्लम ध्यान से समझ लोगे ना, तो आगे की प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व कर लोगे आप, इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है जी। और देखिए सिमिलरली, ये जो एरिया था, ये पार्ट भी फर्स्ट वाली जो इनइक्वालिटी उसमें इंक्लूडेड था, लेकिन जो अभी हमने ड्रॉ की है इनइक्वालिटी, उससे बाहर है, तो ये वाला एरिया भी डिस्कार्डेड हो गया। तो बेसिकली बचा क्या हमारे पास, सिर्फ ये एरिया बच गया हमारे पास ना, ये जो एरिया है, ये एरिया, ठीक है। ये एक ऐसा कॉमन फिजिबल रीजन है जो कि सारी लीनियर इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेगा। तो ये हमारा हो गया फिजिबल रीजन। और जो फिजिबल रीजन हमेशा कॉन्वेक्स रीजन होता है, ध्यान रखना, फिजिबल रीजन इज ऑलवेज कॉन्वेक्स। लिख देते हैं एक बार, फिजिबल रीजन इज ऑलवेज कॉन्वेक्स, ठीक है बच्चों, ये याद रखना, फिजिबल रीजन हमेशा कॉन्वेक्स होता है। चलिए, तो अब ये देखना है हमें कि कॉर्नर पॉइंट थ्योरी लगाएंगे, तो कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ये मान लेते हैं ओ है, या इसको ओ बोल देते हैं, ये मान लेते हैं ए है, ये पॉइंट मान लिया बी है, और ये पॉइंट सी है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ ए के कोऑर्डिनेट, ओ के कोऑर्डिनेट और सी के कोऑर्डिनेट हमें ऑलरेडी मालूम है, लेकिन बी का कोऑर्डिनेट हमें निकालना पड़ेगा दोनों लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो लाइनें हैं हमारी 5x + 2y = 10, ये काम भी बच्चों रफ में होगा, चलिए मैं यहाँ कर लेता हूँ, 5x + 2y = 10, और दूसरी लाइन क्या है, 3x + 5y = 15, 3x + 5y = 15। ये दो लाइन्स हैं, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, पॉइंट बी या कॉर्नर बी। देखो कॉर्नर पॉइंट थ्योरी क्या कहती है, पहले फिजिबल रीजन निकाल लो, और फिजिबल रीजन के कॉर्नर जितने भी हैं उन कॉर्नर्स पर ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी वैल्यू निकाल के चेक करो कि किस पॉइंट पर मैक्सिमम आ रहा है और किस पॉइंट पर मिनिमम आ रहा है। यदि मैक्सिमम पूछ रहा है तो मैक्सिमम बता दो, और मिनिमम पूछ रहा है तो मिनिमम बता दो। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सारे कॉर्नर पॉइंट्स के कॉर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है बच्चों। देखिए तो सॉल्व करेंगे इसको, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन में 3 का कर देते हैं, देखिए, और इसमें कर देते हैं 5 का। तो क्या होगा, ये इक्वेशन बन जाएगी 15x + 6y = 30, और ये बन जाएगी नीचे वाली इक्वेशन 15x
प्लस 25y इजिकल टू 75, ठीक है जी। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 15x से 15x कैंसिल हो गया, बच गया 19y इजिकल टू 45, तो y इज इक्वल टू आ गया 45/19, ठीक है बच्चों। तो ये पॉइंट B जो है उसका y कोऑर्डिनेट आ गया मेरे पास 45/19। नाउ क्या करना है, x कोऑर्डिनेट निकालना है। तो x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करूँगा, मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ, इस एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकता हूँ। तो 5x प्लस 2y 45/19, ये सारी एक्टिविटी बच्चों रफ में कर सकते हैं आप, है ना। तो डरने की बात नहीं है, आपको बोर्ड के एग्जाम में ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, 45 into 90/19, तो इधर क्या तो हो गया 5x इज इक्वल टू 10 minus 90/19, 19 into 10, 190 minus 100/19, 5 से गया तो गया x इज इक्वल टू आ गया 20/19, दिस विल गिव मी x इज इक्वल टू 20/19। सिंपल कैलकुलेशन बच्चों आप लोग कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। दिस इज x की वैल्यू आ गई 20/19, ठीक है जी। तो मेरे पास ओ ए बी सी चार कॉर्नर पॉइंट्स आ गए, और कॉर्नर पॉइंट थ्योरी का यूज, कॉर्नर पॉइंट थ्योरी क्या कहती है बच्चों, कि LPP में, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में, फीजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स पर ही मैक्सिमा या मिनिमा होता है, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट्स पर ही मैक्सिमा या मिनिमा होता है, बाकी पॉइंट्स पर नहीं होता। तो इसको रफ वर्क को हटा देते हैं एक बार, ठीक है बच्चों, ये हट गया रफ वर्क। अब हम क्या करते हैं, अब जो काम हम करने वाले हैं वो आपको फेयर में करना होगा, यानी कि आपको आंसर शीट में CBSE में लिखना है, ये टेबल बनानी पड़ेगी। पहले आपको ये ग्राफ बना के दिखाना पड़ेगा, ठीक है, इसके मार्क्स मिलेंगे आपको। ग्राफ बनाने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप है ये टेबल ड्रॉ करना, जिसमें आपको कॉर्नर पॉइंट, और कॉर्नर पॉइंट पर आपका जो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इज इक्वल टू 5x plus 3y, ठीक है, इसकी वैल्यू ड्रॉ करनी है ना। तो ये टेबल बन जाएगी जो कि सारे कॉर्नर पॉइंट्स पर आपको वैल्यू देगी। तो पॉइंट O क्या है 0,0, पॉइंट A क्या है 2,0, पॉइंट B क्या है बच्चों 20/19 and 45/19, और पॉइंट C है बच्चों 0,3, ठीक है जी। अब इन सारे पॉइंट्स पर आपको इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और फिर यहाँ लिखनी है, ये आपको फेयर में करना है, ये आपको CBSE के एग्ज़ाम में अपने पेपर कॉपी पर सॉल्व करके लिख के देनी है। इस टेबल पर मार्क्स मिलेंगे, इस ग्राफ पर मार्क्स मिलेंगे आपको, फिर आपको फाइनली लिखना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द फीजिबल या ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइनली फॉर मैक्सिमाइजिंग दिस फंक्शन। जैसे मैक्सिमाइज के लिए कर रहे हैं बच्चों, ऐसे मिनिमाइज के लिए भी एक क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको उस केस में ये देखना पड़ेगा कि मिनिमम वैल्यू कहाँ रही है। एक बार वैल्यू निकालते हैं पहले, 5x plus 3y में 0 रखेंगे तो ये बन गया 0, 2,0 रखेंगे तो बन गया 10, 20/19 दिस इज 100/19, दिस इज 45 into 3। ये कैलकुलेशन भी आप रफ में कर सकते हो, लेकिन टेबल आपको दिखानी पड़ेगी। तो 45 into 3 हो गया 135 plus 100, तो 235/19, दिस इज द वैल्यू। ओके, 0,3 कितना हो गया, 9 हो गया, तो दिस इज मिनिमम, ठीक है जी, दिस इज मिनिमम और दिस इज मैक्सिमम। क्यों मैक्सिमम है, क्योंकि 235/19 की वैल्यू 10 और 9 दोनों से ज़्यादा है। मैक्सिमम वैल्यू आ गई ये, और मैक्सिमम वैल्यू का पॉइंट आ गया ये पॉइंट, ठीक है जी। तो आप लिखोगे द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन इज फाउंड एट एक्स इजल टू 20/19 एंड वाई इजल टू 45/19, लिखोगे एक्स इजल टू, लिखोगे द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन जेड इजल टू 5x plus 3y इज फाउंड एट एक्स इजल टू 20/, आप जो कुछ मैं बोल रहा हूँ आपको ये लास्ट पॉइंट लिखना है ना, और y इज इक्वल टू कितना 45/19। एंड यदि आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए तो वैल्यू लिखनी है, एंड z इज इक्वल टू कितना आया था 235/19, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आपने देखा कि एक सिंपल सी मैथमेटिकल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, अच्छा, इस प्रॉब्लम में हमने क्या किया, ये बाउंडेड एरिया है,
फिजिबल रीजन जो होता है, एक तो फिजिबल रीजन के बारे में हमको याद रखना है कि ये हमेशा कॉन्वेक्स एरिया होता है, कॉन्वेक्स समझते हो ना, कॉन्वेक्स, ठीक है, तो कॉन्वेक्स एरिया होता है। दूसरा क्या होता है ये कि दो तरीके का हो सकता है, या तो बाउंडेड होगा या अनबाउंडेड होगा। अभी जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व की है और इसके पहले जो प्रॉब्लम सॉल्व की थी, दोनों ही प्रॉब्लम में ये बाउंडेड एरिया था। अब हम एक प्रॉब्लम लेते हैं जिसमें ये एरिया अनबाउंडेड है, और अनबाउंडेड के केस में हम मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट लर्निंग का पॉइंट है, ये आप अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें ये एरिया बाउंडेड नहीं होगा, उस तरह की प्रॉब्लम में कैसे मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं, और कई बार मैक्सिमम मिनिमम एग्जिस्ट भी नहीं करता, वो कैसे चेक करते हैं कि एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये डिस्कशन हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन में करने वाले हैं।